आज की मीडिया का हाल किसी से छिपा नहीं है। जब मीडिया रोज बिकती है तो न बिकने वाली मीडिया को भी लोग बिकी हुई समझने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब सच आप कहते हैं तो लोग या तो आपको खरीदने की कोशिश करते हैं और अगर आप नहीं खरीदे जाते उनसे तो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। मीरा भाईंदर में पत्रकार को धमकाने का एक मामला ऐसे ही सामने आया है। दरअसल ये मामला इस तरह का है। दोपहर का सामना अखबार में प्रकाशित विनोद मिश्र की खबर से नाराज होकर मीरा भाईंदर के कमिश्नर दिलीप ढोले ने विनोद मिश्र को फोन कर FIR करने की धमकी दी है। दरअसल ये पूरा मामला ऐसा है कि मीरा भाईंदर के वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्र ने हिंदी अखबार में 12 जनवरी 2023 को एक खबर प्रकाशित की थी पेज क्रमांक 7 पर, जिसमें उन्होंने शीर्षक डाला था कि फंस गए MBMC आयुक्त। इस खबर के अंतर्गत एक प्रमाणित खबर लगाई थी जिस खबर में ये बताया गया था कि मनपा आयुक्त दिलीप ढोले लाल बत्ती का दुरुपयोग कर रहे हैं। उस खबर से जानकारी दी गई थी कि लाल बत्ती लगे वाहन कौन कौन लोग उपयोग कर सकते हैं तथा किन परिस्थितियों में वाहन पर लाल बत्ती लगाई जाने का संवैधानिक प्रावधान है। इस खबर से नाराज होकर मीरा भाईंदर के कमिश्नर दिलीप ढोले ने विनोद मिश्र के मोबाइल नंबर 9769597044 पर सुबह 11:14 पर कॉल करके नाराजगी व्यक्त करते हुए FIR दर्ज करने की धमकी दी। हम आपको ये बताते चले कि पत्रकारों की प्रतिष्ठित संस्था प्रेस क्लब ऑफ मीरा भाईंदर के विनोद मिश्र वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इस कारण से भाईंदर सहित ठाणे जिले के सभी पत्रकारों में मनपा आयुक्त को लेकर काफी गुस्सा है। इसके बाद पत्रकार ने जो पुलिस आयुक्त है उनसे शिकायत की है। उन्होंने पत्र के माध्यम से ये कहा है कि अखबार के लिए 17 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ और दैनिक खबरें संकलित व लेखन कार्य विगत कर रहा हूँ, जिसके तहत उन्होंने सामना अखबार में प्रमाणित खबर भेजा था। 12 जनवरी को पेज नंबर 7 पर प्रकाशित हुई थी यह खबर। पत्र में उन्होंने लिखा कि मेरी खबर तथ्यों, साक्ष्यों और ढोले के खिलाफ लाल बत्ती के दुरुपयोग संबंधी आरोप तथा शिकायत के आधार पर लिखी गई है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है कि मनपा आयुक्त प्रशासक द्वारा पत्रकार के खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत या शारीरिक हमले की साजिश रची जा सकती है। इस तरह के पत्र द्वारा उन्होंने अपने जान माल की रक्षा के लिए अग्रिम पत्र पुलिस कमिश्नर को प्रेषित किया है। साथ साथ हम आपको ये बता दें कि अभी पहले पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते थे और उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया पिछले महीने, और अभी जो नए पुलिस कमिश्नर है वो मधुकर पांडे जी हैं, जिनसे विनोद मिश्र शिकायत की है।